हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास एट्थ का चैप्टर नंबर फोर्थ पढ़ रहे थे सब्जेक्ट साइंस का, जिसमें हमने फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने एंडोक्राइन सिस्टम और कुछ ग्लैंड्स के बारे में बात कर ली थी। अब हम चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। गर्ल्स अटेन पवर्टी एट एज बिटवीन 10 to 30 एंड द बॉयज अटेन पवर्टी एट द एज बिटवीन 12 and 14। Some of the changes that take place in boy during puberty are as follows. जो changes आते हैं boys में वो क्या क्या हैं? Facial hair growth like beard and mustache, जो उनकी दाढ़ी और मूछ होती हैं वो आने लगती हैं face पे। Hair growth on chest, their voice speak well talking and eventually deepens to become low pitches, उनका जो voice होता है वह low pitch का हो जाता है। Fourth है broadening of shoulders and developing of muscles develop हो जाती हैं और shoulder broad हो जाते हैं। Fifth है growing in height बढ़ जाती है, growth हो जाती है, वृद्धि, development of sex organs like the testes and penis, production of sperm by the testes, emotion related to adulthood begin to develop। इसके बाद है सम ऑफ द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन गर्ल्स। गर्ल्स में कौन कौन से चेंज होते हैं? ग्रोथ ऑफ हेयर इन द पेल्विक रीजन एंड अंडर आर्म्स, डेवलपमेंट ऑफ ब्रीस्ट, वाइडनिंग ऑफ हिप्स, ग्रोथ इन द हाइट, डेवलपमेंट ऑफ हाई पिच वॉइस, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन लाइक द ओवरीज, बिगनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल एवरी मंथ, इमोशन रिलेटेड टू एडल्टहुड बिगिन टू डेवलप। कुछ हमारे चेंजेस दिए हुए हैं जिनके बारे में दिया हुआ है। फर्स्ट है इंक्रीजिंग हाइट, जो उस टाइम एडोलसेंस के टाइम क्या होता है, हाइट इंक्रीज हो जाती है। यू मीट योर कज़न आफ्टर 4 years, आप अपने कज़न से मिलते हैं 4 साल के बाद। ही वॉज 9 years old व्हेन यू लास्ट मीट हिम, जब आप उससे लास्ट टाइम मिले थे तो वह कितने साल का था? 9 years का था। एंड सडनली ही लुक्स लाइक ही ग्रोड रिपीटली ओवर दीज पास्ट 4 years, आपको ऐसा लगता है कि वह जल्दी से ग्रो कर रहा है, वृद्धि कर रहा है इन 4 सालों में। ही इज़ नाउ टॉलर, अब वह कैसा हो गया? लंबा। दिस इज़ बिकॉज योर कज़न इज एट हिज पवर्टी एंड ग्रोथ इन हाइट, तो उसकी क्या बढ़ गई है? ग्रोथ हो गई है हाइट की। इज वन चेंजेस दैट टेक प्लेस, यह फर्स्ट ये पहला ऐसा चेंज है पवर्टी का। सिमिलर गर्ल्स शो रिपीट ग्रोथ इन हाइट व्हेन दे, ऐसे ही गर्ल्स में होता है, व्हेन दे रीचेस 18 ईयर्स ऑफ एज दे स्टॉप ग्रोइंग, जब वह 18 ईयर्स के होते हैं उसके बाद ग्रोथ बढ़ना बंद हो जाता है या हाइट बढ़ना बंद हो जाता है। चेंजेस बॉयज में क्या चेंज होता है? गर्ल्स डेवलप आर सिरिल बॉयज एज दे रीच पवर्टी, उस टाइम क्या होता है उनका बॉयज गर्ल्स का सिरिल हो जाता है। बॉयज डेवलप आर लो पिच बॉयज, बॉयज कैसा होता है? लो पिच। द चेंजेस इन बॉयज इज वेरी नोटिसेबल होता है। दिस बॉयज इवेंचुअली चेंजेस टू अ हैवी मैनली बॉयज इन बॉयज, द वॉइस बॉक्स ऑल्सो नोन एज एडम्स एप्पल इज क्लियरली सीन, जो लड़के होते हैं उनका जो वॉइस होता है, वॉइस बॉक्स होता है, वो जो एडम्स एप्पल होता है वो क्लियरली दिखने लगता है। द बल्गी एट द फ्रंटेबल पार्ट ऑफ द नेक रीजन इज कॉल्ड द एडम्स एप्पल, जो बाहर को बल्गी पार्ट निकला हुआ होता है उसको हम एडम्स एप्पल कहते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ मसल्स इन द वॉइस बॉक्स और द एडम्स एप्पल कॉजेज द स्क्वेज इन अ बॉयस ड्यूरिंग पवर्टी। चेंजेस इन बॉडी शेप ऑफ अ बॉय, बॉय की बॉडी में बॉडी का चेंज शेप हो जाता है। चेंजेस इन बॉडी शेप ऑफ अ गर्ल, हेयर ग्रोथ इज सीन इन द पब्लिक रीजन एंड अंडर आर्म्स, द हिप विडन, द बॉयज रेगुलरली सोर्स ग्रेडुअली डेवलप ऑफ ब्रीस्ट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पिम्पल्स एंड एक्नी। पिम्पल्स एंड एक्नीज आर द कॉमन ड्यूरिंग पवर्टी, पवर्टी के टाइम क्या होता है जो पिम्पल्स और एक्नी होती हैं वह कॉमन होते हैं। दिस इंक्रीज इन हारमोन्स लेवल ड्यूरिंग पवर्टी स्टमुलेट्स द स्वीट्स एंड सबैक्सियस ग्लैंड्स टू रिलीज मोर स्वीट एंड ऑयल टू द स्किन, उस टाइम पे क्या होता है जो हमारा ज़्यादातर पसीना और जो ऑयल रहता है स्किन का वो रिलीज होने लगता है। दिस इंक्रीज एक्टिविटीज ऑफ स्वीट एंड सबैक्सियस ग्लैंड्स रिजल्ट इन पिम्पल्स, जिससे क्या हो जाते हैं हमें पिम्पल्स हो जाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन्स, द सेक्सुअल ऑर्गन्स दैट हेल्प अस टू गिव बर्थ और रिप्रोड्यूस डेवलप फुली ड्यूरिंग पवर्टी, द मेल टेस्टिस स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पर्म्स एंड फीमेल्स ओवरीज रिलीज एंड ओवम एवरी मंथ, इन फीमेल्स द मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट, दिस सो दैट द यूटेरस इज रेडी टू बियर अ
चाइल्ड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल। एवरी मंथ द टू ओवरीज रिलीज एन एग ऑन ओवम टर्न्स वाइज। जो ओवरीज होती हैं टर्न बाय टर्न वाइज क्या रिलीज करते हैं, ओवम रिलीज करते हैं। द रिलीज ऑफ ओवम ओवम बाय द ओवरीज इज कॉल्ड ओव्यूलेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम ओव्यूलेशन कहते हैं। द ओवम इंटर्स द फेलोपियन ट्यूब, जो ओवम होते हैं वह एंटर करते हैं फेलोपियन ट्यूब्स में। इन एन इंटरकोर्स टेक प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम बाय द स्पर्म अकर्स, फर्टिलाइजेशन हो जाता है जिसके कारण दिस फर्टिलाइज ओवम और द जाइगोट टू ट्रेवल, तो उससे क्या होता है जाइगोट डेवलप हो जाता है टू द यूटेरस, यूटेरस में एंड गेट्स इम्प्लीटेशन इन द यूटेरस बॉल, और जो है कहाँ पर जाके इम्प्लांट हो जाता है यूटेरस की बॉल पर। द यूटेरस विच हैज़ बीन प्रिपेयर इट सेल्फ, यूटेरस जो स्वयं बना हुआ है बाई द थिकनिंग इट्स वॉल, जिसकी बॉल्स कहती रहती हैं मोटी होती हैं, विथ एक्स्ट्रा लिगनिंग, जिसमें एक्स्ट्रा लिगनिंग होती है, इज रेडी टू एकोमोडेट द फ्यूटस एट इज इट ग्रोथ, जब वह ग्रोथ पर रहता है तो वह रेडी रहता है। इफ नो इंटरकोर्स टेक प्लेस, अगर कोई इंटरकोर्स नहीं होता है, द ओवम वेट फॉर द स्पर्म, जो ओवम होता है वह स्पर्म का वेट करता है। व्हेन इट डज नॉट मीट अ स्पर्म, और जब वह स्पर्म से मीट नहीं करता है ओवम डिस्टिंग्रेट एंड नो इम्प्लीटेशन टेक प्लेस, तब कोई इम्प्लीटेशन नहीं होता है, इम्प्लांटेशन नहीं होता है। एट द एज ऑफ 28 दिन के डेज के अंतराल में द यूटेरस ब्रेक रिलीज इट्स कंटेंट्स थ्रू द वेजीना, तो वह उस कंटेंट को रिलीज कर देता है वेजीना के थ्रू। दिस इज कॉल्ड द बीपिंग ऑफ यूटेरस और मेंसुरेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, बीपिंग ऑफ द यूटेरस और मेंसुरेशंस कहते हैं। द फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग इज काउंटेड एज द फर्स्ट डे ऑफ द मेंसुरेशन साइकिल, ईच साइकिल लास्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 28 to 30 days, द 28 days ऑफ द साइकिल इज द डे बिफोर योर ब्लीडिंग स्टार्ट, द ब्लीडिंग दैट अकर्स ड्यू टू द डिस्टिंग्रेशन ऑफ द यूटेरस एवरी मंथ इज कॉल्ड द मेंसुरेशन और द मेंसुरेशन साइकिल, द फर्स्ट अकरेंस ऑफ मेंसुरेशन एट पवर्टी इज कॉल्ड द मेनार्च, फर्स्ट टाइम की जो मेंसुरेशन होते हैं उसको मेनार्च कहते हैं। द एंड ऑफ मेंसुरेशन एट द एज ऑफ 50 to 55 इज कॉल्ड मेनोपॉज, और 50 जब मेंसुरेशन एंड होता है 50 to 55 की एज में उसको मेनोपॉज कहते हैं। बोथ दीज स्टेजेस, ये दोनों स्टेजेस सो इम्बेलेंस इन द हारमोन्स बींग प्रोड्यूस दैट कॉज ड्रास्टिक मूड विंग्स। इस तरीके से ये हमारा टॉपिक है, यहाँ पे हमारा ये मेंसुरेशन साइकिल बना हुआ है, ये आप इधर देख सकते हैं, और इसके कुछ पार्ट्स भी लिखे हुए हैं, ओव्यूलेशन, यूटेरस फेस है, ये मेंसुरेशन है, ये फोर्टिकुलर फेस है, ठीक है ना। थैंक यू।